लगातार हो रही बारिश ने धनबाद नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि बीते रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जिले के जगह जगह पर जल जमाव हो गया है। वहीं एक मामला देखने को मिल रहा है धनबाद के रानी बांध रोड का, जहां रोड तालाब में तब्दील हो गया है, घुटनों तक पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। दोनों रोड में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरा रानी बांध जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो गया है। यहां पर गाड़ी में आने जाने वाले लोग को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हम सीधा लाइव जाएंगे रानी बांध से, हमारे संवाददाता शरद चंद जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल अभी वहां पर बना हुआ है, क्या हालात है, जिस तरीके से घुटने तक पानी भरा हुआ है। शरद, तो आप हमें बताया, विजुअल दिखाया, जिस तरीके से यहां पर पानी भर गया है, पूरा रानी बांध जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो गया है। अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं यहाँ रानीबाग तालाब के पास, और यहाँ पर जो दाहिनी ओर की जो सड़क है, जो आईएसएम जो कॉरिडोर बनाया है, उस एरिया में घुटने से ज्यादा पानी आ चुका है, और इससे क्या हो रहा है कि वाहनों का आवागमन जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कई वाहन जो है पानी की वजह से यहाँ बंद हो गए और उनको लोग ढकेल ढकेल कर ले जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और नगर निगम जो है आज स्वच्छता के नाम पर एक जो नौटंकी कहा जाए ये किया जा रहा है। नगर आयुक्त हों और उनके जो सहकर्मी हैं, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, श्रम दान कर रहे हैं, लेकिन जो यथास्थिति है धनबाद नगर निगम की वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या परिस्थिति है, और वाहन जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए कि घुटने से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। मैं अगर आपको बता दूं कि कुछ जगह पर मैं जाऊं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी है, और इससे सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा हुआ कि जो दो पहिया वाहन है वो जो है यहाँ पर, चूंकि नीचे काफी कंक्रीट है, कंकड़ पत्थर है, इसकी वजह से ये जो दो पहिया वाहन है वो गिर जा रहे हैं, लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं, कई लोगों को चोट लगी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई महिलाएं हैं उनको भी जो है दो पहिया वाहन से, बाइक से जा रही थी और वो गिर गई और उनको चोट लगी है। इस तरह का मैं आपको बता दूं कि कई जगह वाहन ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो डूब जा रही है, और लोगों को खासा परेशानी हो रहा है। नगर निगम जो है इस बात से एकदम बेखबर है, उनको सिर्फ प्रोपोगंडा करना है। नगर निगम के पदाधिकारी आज श्रमदान करने की जो नौटंकी कर रहे हैं, आपको मैंने इससे पहले भी विजुअल दिखाया, कुछ नगर आयुक्त जो है वो हाथों में ग्लव्स बांधे घूम रहे थे, श्रमदान कर रहे थे, लेकिन नगर निगम की जो यथास्थिति है अगर उसको देखना हो, जो यथार्थ है उसको देखना हो, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से जल जमा है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी जब जब बारिश ज्यादा हुई है यहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बावजूद भी धनबाद नगर निगम और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो उपायुक्त हों, चाहे धनबाद नगर निगम के पदाधिकारी हों, चाहे अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी हों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूं तो वो दिखाएंगे कि उधर दूर जो है इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है, वाहन जो है करीब करीब आधे घंटे एक घंटे से वहां फंसे हुए हैं। हालांकि कोई इसके लिए कोई पहल नहीं की जा रही है कि पानी को यहां से कैसे निकाला जाए। शरद, ये मुख्य मार्ग है जिस तरीके से नेशनल हाईवे से धनबाद को ये जोड़ती है, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार, ये पहला मामला नहीं है जब जल जमाव हुआ हो, लगातार पिछले विगत 6-7 महीनों से यहाँ पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न होते रही है। कई बार हमने TV45 के माध्यम से इसको दिखाया था, इसके बाद भी नगर निगम लापरवाही बरत रही है, और जिसका खामियाजा आज जिस तरीके से लगातार बारिश हुई और पूरा रोड जलमग्न हो चुका है और तालाब में तब्दील हो गया है। बिल्कुल अनिकेत, इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह का हुआ कि जल जमाव की समस्या हुई और लोग जो है कई बार कंप्लेन भी किया गया नगर निगम के अधिकारियों के पास। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो समस्या में होते हैं, धैया क्षेत्र के लोग, जो ठाकुर कुली एरिया के लोग हैं, वो लोग जाकर धनबाद नगर निगम के पदाधिकारियों से ये शिकायत भी किए और इस समस्या का समाधान निराकरण करने की बात कहे, बावजूद उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन मिला और उसके अलावे कुछ नहीं हो पाया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि इस समस्या से ग्रस्त है, हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि मैंने जो वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं?
ये जो जाम हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे, कितने दिनों से जाम है? करीब 2 महीना से है, 2 महीना से है। और जैसे धनबाद नगर निगम के लोग जो है इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ है फोर्स लेके और ये नाली खोलने के लिए, गंदा पानी नाली का पानी तालाब में घुसाने के लिए, तो उसमें हम लोग रोक लगाएंगे। तो उसकी वजह से तो जल जमाव और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और जमाव बढ़ते जाए, नाली का कोई व्यवस्था ही नहीं है, रोड बन रहा है लेकिन नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि लोगों का, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि रोड बन रहा है लेकिन नाली की व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जो समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जो एक प्लानिंग के तहत होता है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि वो सतत विकास हो और इस तरह की प्लानिंग हो कि जिसमें नल नाली पुलिया सब कुछ इस तरह से बने कि कहीं कोई व्यवधान नहीं हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं योजनाओं में कमी है, कहीं ना कहीं जो धनबाद नगर निगम जो योजनाएं बनाती है वो परिपक्व नहीं है, वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसमें सोचा समझा नहीं जाता है, कोई वर्कआउट प्लानिंग नहीं की जाती है, बस जैसे उसका आया डीपीआर तैयार किए और ये कर दिया गया। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल जमाव की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वाहन जो है वो लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और वो ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है दोपहिया वाहनों को, जो दोपहिया वाहन जो है जो इसमें जा नहीं पा रहे हैं उनको जो है घुटने भर पानी में उनको ठहरना पड़ रहा है, उनके शूज जो है उनके जूते गीले हो जा रहे हैं, उनके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं, और जिन वाहनों पर महिलाएं बैठी हुई हैं वहां और परेशानी हो रही है। हमारे कैमरे में भी कई ऐसे मामले कैद हुए जिसमें जो है महिला बैठकर जा रही है और वो परेशान हो रही है, गिर रही है और चोटिल हो रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं यहाँ पर है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ धनबाद नगर निगम ही दोषी है, क्योंकि इन लोगों ने समय रहते कुछ नहीं किया, सिर्फ थोथी बातें करते हैं और ये थोथी बातों का ही ये कारनामा है कि आज इस प्रकार का हो रहा है। और जैसे स्थानीय लोगों ने कहा है ना कि पिछले 2 महीनों से इस तरह का हो रहा है, जब से मॉनसून आया और हेवी बारिश, हेवी रेन जो हुआ है, ज्यादा बारिश जब जब हुई है तब तक इस तरह की घटनाएं हुई है और यहाँ पर जो है जल जमा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। बावजूद धनबाद नगर निगम को अभी तक कोई चेत नहीं आया है, धनबाद नगर निगम ने इस पर एक बार भी पहल करने का प्रयास नहीं किया और न ही पानी निकालने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा कारण कि यहाँ पर 2 महीने से जल जमाव हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी जो वहां पर नाला बना हुआ है, नाला का गंदा पानी रोड में आ रहा था, जिसको लेकर के तमाम जो वहां पर लोग थे इसका विरोध जता रहे थे कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। तो क्या नगर निगम जिस वक्त ये रोड बना रही थी उस वक्त ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल नहीं रखा गया, जिससे नाले का पानी रोड में आ रहा था और अब जब बरसात में पूरा का पूरा रोड ही तालाब में तब्दील हो गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि धनबाद नगर निगम ने कोई योजना के तहत, कोई प्लानिंग के तहत काम नहीं किया। सिर्फ रोड बनाना था तो उसके लिए टेंडर निकाल दिए गए, रोड बना दिया गया, लेकिन जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि रोड के साथ आप एक कॉम्पैक्ट आप इंटीग्रेटेड नाली बनाते हैं, और चूंकि बारिश का पानी है अगर वो होता है तो वो कहाँ जाएगा, इस तरह की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो एक परिपक्व जो प्लानिंग की जाती है वो धनबाद नगर निगम के द्वारा नहीं की गई, और उसी का खामियाजा है कि आज इस तरह का हो रहा है और जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं और आम लोगों में काफी इसको लेकर आक्रोश भी है। लोगों में इस तरह का है कि धनबाद नगर निगम का जो अपना कर्तव्य है, जो अपना काम है, वो नहीं करके सिर्फ थोथे वादे करता है और झूठा। धनबाद नगर निगम के आयुक्त को आप देखें कि वो सफाई अभियान चला रहे हैं, आज श्रमदान की बात कर रहे थे, चूंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये आह्वान किया गया कि 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को श्रमदान करेंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो उसके तहत किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग श्रमदान करें, लेकिन उसके पहले जो आपको अपना कर्तव्य निभाना है वो आप नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 महीनों से लोग परेशान हैं, बारिश की वजह से जल जमा हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और कई बार हमने खबरें भी चलाई हैं। बावजूद धनबाद नगर निगम को कोई इसकी चेत नहीं है, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया धनबाद नगर निगम का हमें देखने को मिल रहा है, और इस स्थिति में ये लोगों को आक्रोशित कर रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान है, जो धैया ठाकुर पुल्ली और इधर बिरला
प्रांत के निवासी हैं उनको खासा परेशानी हो रही है। और आपको बोला ये एनएच को जोड़ने वाली सड़क है, ये काफी यहाँ से वीआईपीज भी गुजरते हैं और जो मेन रोड को जो कनेक्ट करता है एनएच को, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़े अधिकारी भी इस रोड से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं या वो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी है। बावजूद इस तरह का जो है रवैया धनबाद नगर निगम के द्वारा, धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कई बार खबरें जो है वो दिखाने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, कोई ठोस कदम धनबाद नगर निगम के द्वारा अभी तक नहीं उठाए गए कि इसमें कुछ किया जा सके और इस तरह की जो समस्या हो इससे निराकरण, इसका निराकरण हो सके। और मैं अनिकेत बता दूं कि एक बार नगर निगम ने पहल भी की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये चाह रहे थे कि पानी को निकालकर जो बगल का जो रानीबाग तालाब है वहां पर डाला जाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि चूंकि ये गंदा नाली का पानी है इसे तालाब में नहीं डाला जा सकता है। और मैं बता दूं कि जो ये आईआईटी आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसका भी जो कचरा है वो भी इसमें बहाया जा रहा है, इसकी वजह से पानी काफी बदबूदार है, गंदा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इसमें जो है नहीं, पानी को जो है मेन जो रानीबाग तालाब है उसमें हम नहीं डालने देंगे। तो धनबाद नगर निगम को इसके लिए पहल करनी चाहिए थी, स्थानीय लोगों को कन्विंस करना चाहिए था और एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, लेकिन धनबाद नगर निगम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यही वजह है कि इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देख लीजिए, काफी देर से ये हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाए कि जिस तरह से गाड़ियां जो आ रही हैं वो गाड़ियां किस तरह से पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाहन जो चल रही है और ये कितनी बार ऐसा हुआ कि उनके इंजन में पानी चला जा रहा है और इंजन में पानी जाने के कारण वो गाड़ी बंद हो जा रही है बीच में। और ऐसी तमाम आपको जो है आप देख सकते हैं तमाम वाहन जो है वो बंद हो जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा स्थानीय जो है वो बंद हो जा रहे हैं और इसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और आपको आप देख सकते हैं जिस तरह से आगे हम आपको ले चलते हैं वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारी वाहन भी जो है वहां आकर खड़े हो गए हैं और कई वाहन जो है उनके इंजन पानी भर जाने की वजह से इंजन बंद हो गए हैं और इसी वजह से वो गाड़ियां जो है वो बीच में पानी के बीच जाकर रुक गई है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दुर्दशा को दिखाने के लिए, जिस तरीके से ये धनबाद की छवि को भी धूमिल कर रहा है, जिस तरीके से आपने दिखाया कि यहाँ पर जो नगर निगम है लगातार फेल साबित हो रही है, लगातार इसका विरोध करने के बाद भी रानीबाग में जो जल जमाव की समस्या है वो दूर नहीं हुई और लगातार हुई बारिश के कारण आखिरकार जो रानीबाग तालाब का जो रोड है वो यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गया है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुटने तक पानी भर गया है, जो आने वाले वाले लोग जो है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो वाहन में है वो तो वाहन के माध्यम से चले जा रहे हैं, लेकिन जो लोग पैदल चलने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से रानीबाग जो रोड है वो तालाब में तब्दील हो गया है, लगातार बारिश के कारण रोड में इतना जल जमाव हो गया है कि रोड तालाब में तब्दील हो गया है, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साफ तौर पर यहां पर नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही।